दोस्तों नमस्कार। बिहार यूनिवर्सिटी से बहुत ही महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही है। आप सभी स्टूडेंट को लास्ट तक बने रहना, पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। जैसे कि पार्ट वन में यानी इंटर पास स्टूडेंट है, पार्ट वन में एडमिशन लेना चाहते हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी में, तो इसके लिए इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे पार्ट थर्ड में रिजल्ट की जो गड़बड़ी हुई है इसको लेकर के भी इन्फॉर्मेशन हम देंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे एमएड में नामांकन मतलब इसका आवेदन स्टार्ट हो चुका है, तो इसके लिए भी इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्नातक सत्र यानी पार्ट वन यानी 22 से 25 में, जो कि वैसे विद्यार्थी जो इंटर पास हैं उनके लिए पार्ट वन में एडमिशन के लिए जो डेट बतलाया गया 5 तारीख से आपका वेबसाइट जो है ओपन हो जाएगा, आपको ऑनलाइन माध्यम से एडमिशन लेना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वोकेशनल कोर्स के लिए, उसके लिए भी 5 मई तक आवेदन जमा लिया जाएगा। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन सामने निकल के आ रही है भी महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं LS कॉलेज व RDS कॉलेज के BMC में नामांकन को लेकर के 5 मई तक आवेदन करने के लिए कहा गया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे बिहार विश्वविद्यालय में सत्र 2016 से 19 में हो रही गड़बड़ी को लेकर के भी बहुत सारी समस्याएँ उत्पन्न हो रही है। 3 सालों में लगातार गड़बड़ियाँ, हज़ारों छात्रों का फंसा हुआ है रिजल्ट, इसको लेकर के भी बहुत सारी खबरें निकल के आ रही है। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं 14,000 स्टूडेंटों ने नहीं भर पाया परीक्षा फॉर्म, तो यहां पे भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। तो बिहार यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रही है रिजल्ट को ठीक करने को लेकर के भी कुछ कहा गया है। जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हैं रिजल्ट ठीक करने में लगते हैं 6 महीने, तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन जो निकल के आ रही है भी महत्वपूर्ण है। वैसे इन सभी जानकारियों को हम टेलीग्राम पर अवेलेबल करा चुके हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे 2019 से 20 पार्ट टू का रिजल्ट में जब जारी किया गया तब यहाँ पे कहा गया कि रिजल्ट फंस चुका है, और यहाँ पे 19 से 22 के लिए पार्ट वन रिजल्ट पिछले वर्ष नवंबर महीने में जारी किया गया था। आप यहाँ पे ये भी देख पा रहे हैं मार्क्स स्टूडेंटों को जो है नंबर जो मार्कशीट है उसमें नहीं जुड़ा है, यानी मार्कशीट में नंबर को जोड़ना चाहिए था, कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी की लापरवाही भी है। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं बात करूँ पार्ट थर्ड में सैकड़ों यानी बहुत सारे स्टूडेंटों को मार्कशीट में नाम गायब है, तो वहाँ पे नाम गायब नहीं होना चाहिए था, जो भी है प्रॉपर तरीके से सही तरीके से काम करना चाहिए था ताकि किसी भी स्टूडेंट को परेशानी का सामना करना ना पड़े। और आप यहाँ पे देख सकते हैं 30 अप्रैल को वेबसाइट पर सारी जारी हुआ रिजल्ट, 45 नंबर पेपर 5 में दिया गया कई छात्रों को यहाँ पर देख सकते हैं, और ये कहा जा रहा है कि कापी जाँचने में जनरल मार्किंग का आरोप भी लगा हुआ है। तो यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, तो इन सभी को जान लेना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एमएड में दाखिला को लेकर के आवेदन शुरू हो चुका है। जो भी स्टूडेंट एमएड करना चाहते हैं बिहार विश्वविद्यालय से, उसके लिए कोर्स में दाखिला लेने के लिए यानी आवेदन करने के लिए एडमिशन लेने के लिए जानकारियाँ जो निकल के आ रही है परीक्षा नियंत्रक द्वारा, यानी परीक्षा नियंत्रक जो है संजय कुमार जी हैं, उन्होंने कहा है कि एमएड की पढ़ाई तुर्की स्थित टीचर ट्रेनिंग कॉलेज LN मिश्रा कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट और बिशुन राजदेव राय टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में होती है। उसके लेकर के वेबसाइट भी मेंशन किया गया है, नीचे देख सकते हैं www.brqbu.net है, तो इस पर जाकर के विजिट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आप यहां पे देख सकते हैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यानी बिहार यूनिवर्सिटी से जो नोटिफिकेशन निकला है, ऑनलाइन अप्लीकेशन इन जो बोला जा रहा है कि एमएड कोर्स के लिए, जो कि हमने शुरुआती में ही आपको इन्फॉर्मेशन दिया हूँ, और यहाँ पे वही चीज़ टीचर एडुकेशन तुर्की LN मिश्रा कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट को लेकर के जो खबरें हैं, तो आप इन सभी को स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर टेलीग्राम से जा करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आज की डेट जो भी अपडेटें थी हमने आपके साथ में साझा किया। इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ज़रूर है। तो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में, धन्यवाद।